शुक्रवार को महाराणा प्रताप की जयंती थी। बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में लाखों रुपए खर्च कर नगर परिषद ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने के बाद नगर परिषद और बाड़मेर जिला प्रशासन शायद महाराणा प्रताप को भूल ही गया। जयंती के दिन भी प्रतिमा के आसपास कोई व्यवस्था नजर नहीं आई और न ही कोई आयोजन हुआ। शुक्रवार को महाराणा प्रताप की जयंती थी। बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में लाखों रुपए खर्च कर नगर परिषद ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने के बाद नगर परिषद और बाड़मेर जिला प्रशासन शायद महाराणा प्रताप को भूल ही गया। जयंती के दिन भी प्रतिमा के आसपास कोई व्यवस्था नजर नहीं आई और न ही हुआ कोई आयोजन। दरअसल करीब 1.5 वर्ष पहले नगर परिषद द्वारा महापुरुषों को उचित स्थान प्रदान करने के लिए बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम समेत कई स्थानों पर उन महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। शहर के सौंदर्यकरण के नाम पर इन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। इनके पीछे उद्देश्य यह था कि शहर के लोग अपने प्राचीन संस्कृति को पहचान सके और अपने महापुरुषों को याद कर उनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन शायद शुक्रवार को स्वयं नगर परिषद जिला प्रशासन ही उन महापुरुषों को याद नहीं कर पाया। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में 1.5 साल पहले स्थापित की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा किसी ने शुद्ध नहीं ली, जबकि शुक्रवार को महाराणा प्रताप की जयंती थी। यही नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, यह हम सब के लिए सोचनीय है, लेकिन सरकारी महकमे और जिम्मेदारों ने इस प्रतिमा की न साफ सफाई की और न ही प्रतिमा के आसपास कोई ध्यान दिया। प्रतिमा के आसपास गड्ढे और कचरा फैला हुआ नजर आया और गंदगी का अंबार दिखा। महापुरुषों की अनदेखी कोई नई बात नहीं। हालांकि पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बताया करते थे, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद बाड़मेर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा की कोई शुद्ध नहीं लेने समझ से परे नजर आया। बहरहाल पूरे देश में शुक्रवार को महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और कई कार्यक्रमों का आयोजन कर महाराणा प्रताप द्वारा देश को लिए किए गए योगदान पर समर्पण किया गया।